आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। ये क्लास 10th का टॉपिक है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है एक साथ काम करना या अपना काम समय पे करना। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, बैलगाड़ी सभी ने देखा, दो बैल होता है उसमें। अगर दोनों बैल अलग अलग दिशा में जाए तो क्या बैलगाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलों में समन्वय नहीं था, जिसके कारण से क्या हुआ कि गाड़ी नहीं चल पाया। तो समन्वय का होना जरूरी है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए। दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें बहुत सारा प्लेयर होता है। तो सारा प्लेयर अगर अपना अपना काम करेगा कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर सब अपने अपने हिसाब से करेगा तो मैच वो नहीं जीत पाएगा। तो समन्वय का मतलब होता है या सबका एक साथ काम करना, सब मिलकर, या फिर अपना काम अपने टाइम से करना। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या समन्वय। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा अंग तंत्र है, बहुत सारा अंग तंत्र है, और अंग तंत्र को अच्छे से काम करने के लिए उसके सारे अंग को अपना अपना काम सही से करना पड़ता है, अपने समय पे करना पड़ता है। अगर वो समय से नहीं करेगा तो उसमें समन्वय स्थापित नहीं होगा, फिर वो अंग तंत्र अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये था समन्वय। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समन्वय किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, समन्वय क्यों ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। इतना सेल्स है हमारे बॉडी में, इतना ज़्यादा कोशिका है, हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं। असंख्य कोशिकाएँ हमारे शरीर में। तो एक तरह का कोशिका जिसका संरचना एक जैसा होता है, वो सब मिलकर आपस में किसी खास काम को करता है। उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, उस समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। मतलब कि कोशिका सब जब एक साथ मिलकर काम करता है, किसी खास काम को करता है, तो वो बनाता है ऊतक। फिर बहुत सारा ऊतक एक साथ मिलता है, किसी खास काम को पूरा करता है, उस तब हम उसको बोलते हैं अंग। और जब दो या दो से अधिक अंग एक साथ मिलता है और किसी खास काम को करता है, तब निर्माण होता है अंग तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं टिश्यू, इसको बोलते हैं ऑर्गेन, और इसको ऑर्गेन सिस्टम। अब अंग तंत्र के सभी अंग को एक साथ नियंत्रण के साथ समन्वय स्थापित करके काम करना होगा, तभी अंग तंत्र अपना काम सही से कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत इसलिए है कि हमारे शरीर में जितना भी फंक्शन होता है वो अच्छे से हो सके, इसीलिए अंगों के बीच समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को सही तरीका से करने के लिए समन्वय का होना जरूरी है, सही तरीका से पूरा करने के लिए समन्वय का होना जरूरी है। और समन्वय स्थापित कैसे होगा? तो समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण का होना जरूरी है। अगर अंगों पर नियंत्रण नहीं होगा तो समन्वय नहीं स्थापित होगा। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन है, समन्वय क्यों जरूरी है। किसी विशेष कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए
अंग तंत्र के सभी अंगों का नियंत्रण और उसमें समन्वय का होना जरूरी है। अगर समन्वय नहीं होगा तो काम पूरा नहीं होगा, अच्छे तरीके से पूरा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में है, शरीर में एक अंग तंत्र है जिसका नाम है पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हमारे पाचन तंत्र में कोई भी ग्लैंड इंजाइम सीक्रेट करना, अच्छे से वो इंजाइम नहीं सीक्रेट करे या सीक्रेट करना बंद कर दे, तो क्या हमारा पाचन अच्छे से हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? तो सभी अंगों में समन्वय होना ज़रूरी है। सभी अगर अंग अपना काम पूरा करेगा, समय पे करेगा, तभी वो पूरा काम हो पाएगा सही तरीके से। तो समन्वय का ज़रूरत इसीलिए पड़ता है।